ಇಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 2023-24 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂಎಂ ನದಾ. ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಲೆ TCW ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಭವನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. TCW ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಬಡಗೇರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರವು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಉಪ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ SM ಹುಡೆದ್ಮನಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂದಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡವೇರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ದಾವಲ್ನವರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು ಜುಬೇರ್ ಕಡುನಾಯಕ್, SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಹೀನ್ ಬಾನು ಪಠಾಣ್, SDMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖ್ವಾಜಾ ಮಿಯಾ ದಫೇದಾರ್, ಲಾಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಧಾರವಾಡ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ SY, TCW ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ KR ಅಮೀನ್ ಬಾಮಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಯರ್ಗಟ್ಟಿ ಬಿಬಿ ಜೋಹರಾ, ಯಾಸ್ಮಿನಿ ಪೀರ್ತಾದೆ ಶಹಾ, ತುಕ್ಸಾನಾ ಮುಣವಳ್ಳಿ, ಶಬಿನಾ ನಾಗ್ನೂರ್, ವಿದ್ಯಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೌಳಿ, ಪಾಟೀಲ್ LC, ಖಾನ್ SS, ಶೇಖ್ ಸಬಾನಾ, ಪರ್ವಿನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಲು ಪಾಲಕರ ಸಮೂಹವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. धारवाड़ जो स्कूल में आज गैदरिंग के लिए शिरकत फरमाई हमारे अजीज DO साहब सिंधी सर और हमारे BRC कोऑर्डिनेटर मंजुनाथ अरवेर जुबेर कंदनायक सर, एक प्रोग्राम में जो कोशिश करे कि बहुत मेहनत करे सोनू साहब और SDMC के अध्यक्ष हमारे बशीर साहब, हमारे मोहतरमा हेडमास्टर अनिल भाई मैडम, पठान मैडम और उपाय पुल बना हुआ है माओ से, इसलिए इसका एक सजेशन भी सकता है कि माँ के गोदी प्रथम पाठशाला कर बोलते हैं संस्कृत में. ऐसा क्यों बोलते हैं, जो माँ चाहिए तो बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकती है. इसलिए हमें हमारे बच्चों को एक तरबियत देना है. दिन का तो हमें करते रहते, वो नहीं छोड़ना, हमारे मजे भाई वो तो चलते रहेंगे. उसके साथ साथ हमें जो कुछ बच्चे सीख रहे हैं घर में स्कूल में पढ़ कर क्या सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं देखना, एटलीस्ट यू हैव टू विजिट फोर्टनाइट और मंथली स्कूल को जाना, अपने टीचर और हेडमास्टर को मिलना है, बच्चे की तरबियत कैसी चल रही है क्या है सब देखना, स्कूल को जाना. हमें नहीं करते कंडो नायक साहब दो बात बोले टीचर हैं पेरेंट्स हैं करो, उसके साथ साथ बच्चे भी, इसलिए बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन. इसे लाल बाल पाल बोलते हैं, कमल में बालक का पालक का पोषिका करो, तीनों देने की जिम्मेदारी है इसमें.
एजुकेशन के लिए है, सिर्फ बच्चे को भेजे टीचर को गवर्नमेंट टीचर दिया नहीं है, सिर्फ बच्चा रहता है 8 से 9 घंटे स्कूल में, बच्चा हमारे पास रहता है 15 आवर्स घर में 15 आवर्स हमारे साथ रहता है, इसलिए हम चाहिए तो जो कुछ भी बना सकते हैं। आजकल याद रखो नीट JEE में कितने हमारे बच्चे कामयाबी हो गए, अभी देखे तुम्हारे एग्जाम्पल 3 बच्चों हाँ MCA BBA BCA करे से, ये हमारे स्कूल में सीखे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे हमारे हैं इसके अंदर, जो अब्दुल कलाम है, नेहरू है, APJ, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, वैसे बच्चों को हम कुछ करना है तो हमें उनको साथ देना, 1-2 घंटे बैठने का, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल पर क्या बोलते हैं साथी शैतान बोलते हैं, पहला TV को घर का शैतान बोलते थे, घर में लगाए नहीं सास भी कभी बहू होती चलो चपाते जल्दी बना को सास भी बहू कभी देने का नहीं, अभी वो छोड़ देना उसको, उसके साथ अभी एक आया है बोला तो साथी शैतान, इसको जल्दी अवॉइड करो, जब तक तुम्हें आप और बच्चों को मोबाइल से अवॉइड नहीं करेंगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, किताब पढ़ना है बच्चों सब मोबाइल में नहीं देखना है, जितना मोबाइल लेंगे उतने वो बच्चों को रोशनी है बहुत कमज़ोर हो जाएगी, याद रखो ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका ड्रॉबैक स्कोर नहीं बता रहे सब जगह, बच्चा उठा पड़ेगा मोबाइल में नहीं, इसलिए हमारे टीचर मोबाइल में भेजेंगे, हमारे टीचर को इंस्ट्रक्शन हमें दी राइटिंग में घर में लिख लिखा नहीं बोलो, मोबाइल में मैसेज रखो, बोर्ड को लिखो, बताओ बच्चों को पढ़ लेगा क्यों बोले बोलो, बच्चा जब तक पुस्तक को अपना दोस्त नहीं मानेगा कभी भी उन्हें कामयाब नहीं होगा, इसलिए इसके साथ जो पेरेंट्स हम आ रहे हैं बहुत बड़ी खुशी की बात है, देखो इतना बड़ा मजहब जो काम ही नहीं दे सकते, एक उर्दू स्कूल हमारे हुबली में है कस्बा पे, ये 800-600 इसके बाद में एक बड़ा स्कूल आता है BCW उर्दू PCW, एक उर्दू हाई स्कूल है हाँ सदाशिव नगर में, 850 हाई स्कूल बच्चे हैं, समझो 30 से 35 टीचर हैं, कितना बना क्यों उर्दू के बच्चों को पढ़ने के लिए कोशिश करें, पर हमें वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोच करना, अब तो बच्चों के एजुकेशन वो है 12th कंपलसरी एजुकेशन है, 12th तक LKG to PUC तक कंपलसरी एजुकेशन है, बच्चों को छुड़ाने का नहीं है, जब छुड़ा को काम लगाएंगे आइंदा मालूम होगी, तो मैं एक किस्सा बोल रहा हूँ जज ने बात किया, ये बात है एक बच्चा ने काम करने के लिए आया था और जज साहब ने पूछे क्यों काम कर रहा, तो उनके माँ बाप को बुलाया, उनको बुलाया, टीचर को बुलाया, पूछे क्यों काम, मैं जी खाने पीने की दिक्कत है इसलिए बच्चों को हमें सिखाने के छोड़ को स्कूल को भेजे नहीं काम को भेज रहे, कभी भी नहीं करना ऐसा, सब सहूलतें दिया रही गवर्नमेंट और सहूलतें के पास बच्चों को जो पढ़ाने के लिए टाइम है उसे लगाना, कौन से बच्चे अपने पड़ोसी में बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे अपने घर में बैठ आगे बैठ कर TV देख रहे हैं तो बातचीत करें, स्कूल को भेजो स्कूल में, कह 100% लिटरेसी इन इंडिया क्यों हो सके, तो एक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर याद रखो दिल में ऑटो ड्राइवर को 9:30 से 4 o'clock में एक बच्चा कहाँ से रोड पर स्ट्रीट में मिला तो वो ड्राइवर बच्चे को बुलाता है, पूछता है तू कौन से स्कूल को जाता है, तो टीचर को रहे नंबर क्या है स्कूल, उसको स्कूल को फोन लगाता है, देखो ऐसा बच्चा 3 बजे के लिए स्कूल के टाइम में बाहर फिर रहा है, क्या तो एजुकेशन ला सकते तो पेरेंट्स ऑफ लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भी ऐसा रिस्पॉन्स मिला, मेरा बच्चा जा रहा स्कूल को, मेरा बच्चा जा रहा नहीं, मेरे पड़ोसी आजू बाजू को हमारे बच्चे हैं मोमिन को उनको भी देखना क्यों नहीं जा रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, क्या दिक्कत है, सब सब लोग हमारे इलिटरेट होना है, एजुकेशन होना है, अच्छे अच्छे पोस्ट में रहना है, जब तक हम हमारी को बड़े बड़े पोस्ट में नहीं रहते हमें कुछ पाने का दिक्कत हो जाएगी, खुद जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिखाने के लिए कोशिश करना, जो TCW हो जाए आज बहुत बड़ा मजमा जमा ही बच्चों को सत्य से तैयारी करें, उनका देखो बहुत नीचे ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರದಂತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಷಕ ಗುಣಮಾತೆಯರೇ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಸೇರಿಸಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ तमाम बेस पर मौजूद तमाम हमारे हायर ऑफिसर्स डीओ सर डीआईपीसी सर सबका नाम ना लेते हुए मुख्तसर अंदाज में मेरी बात खत्म करता हूँ कि पहले मैं एक बात क्योंकि शुरुआत से एक शुरुआत जो है एक शेर से करूँगा कि ये तालिब इलम के लिए हैं जो हमारे कुलपा तालिबात अभी इनाम हासिल करें और जो आने वाले दिनों में इनाम हासिल करेंगे उनके लिए शेर है परोगों को जमाना उड़ान देखता है परोगों को जमाना उड़ान देखता है जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है यानी हमारे बच्चों को क्या है आगे बढ़ना है आगे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी संवारना है तो असातिज़ा के साथ साथ जो आए हुए हमारे माँ बाप जो वालिदैन हैं उनकी भी बहुत बड़ी क्या है इसमें जिम्मेदारी है क्यों बोले एक हाथ से ताली नहीं बजती आप जानते हैं दोनों हाथों का होना ज़रूरी है तो एक तरफ हमारे असातिज़ा कराम है और दूसरी तरफ माँ बाप हैं वालिदैन हैं आप भी उनका साथ दें बच्चों को पढ़ाई की तरफ ख्याल दें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसा हमारे पीओ सर ने बताया हमारे सिंधी सर ने कि आने वाले दिनों में उसी स्कूल में कैंपस में हाई स्कूल में इंशाल्लाह वहाँ पर क्या है शुरू करेंगे तो ये सब मिलकर आप तमाम एजेंसी मेम्बरान वालिदैन और असातिज़ा इकराम मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी हासिल होगी तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरी बात को और एक बात कह के हमारे इसके जलसे के लिए जो तैयारियाँ तकरीबन महीने दो महीने से तैयारी हो रही थी उसके लिए मैं तमाम असातिज़ा इकराम और मीर मुदर्रिस हमारे अमित भाई मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनको मुबारकबाद देता हूँ कि कामयाब तरीके में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है शुक्रिया आज सरकारी उर्दू नमोर तक जनाना स्कूल PCW की सालाना प्रोग्राम में शिरकत फरमा हरदर अजीज सूरजमणि सर और हमारे हरदर अजीज डीओ साहब समरी सर DRC कोने और तमाम ईसीओ और तमाम लड़की के मेहमान और वो अलीगे टीचर्स प्यारे बच्चों वक्त में रहते हुए ये स्कूल दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और दिल से गुजारिश है और तैदाद बढ़ाएँ बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दें और हमारे डीओ साहब कह चुके हैं कि उन्होंने आइंदे साल जून से स्कूल दिए अगर वो वायदा भी किए हैं इंशाल्लाह हमें जो लास्ट मंथ जो मीटिंग किए हैं एक दिन हमें स्कूल के लिए स्ट्राइक करने का मौका दिया मुखर कर रहे हैं एक दिन बच्चों को लेकर हमें DDP ऑफिस जाएंगे हाई स्कूल पूछेंगे हमारा हक है हमें लेना है सीट को लेना है तो तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूँ उस दिन तुम भी साथ दो सब मिलकर DDP ऑफिस जाएंगे जून से हमारे हाई स्कूल क्या होना है बोल से मिल गए शुरू होना है बोल से मिल गए सब मिल गए तो इंशाल्लाह हमें DDP सबसे गुजारिश करिए जून से करेंगे जून से अपना ईयर तो है ये 9th, 10th, 11th, 12th यही स्कूल में होना है बस इतना कहते हैं मेरा काला खबर बता लो अभी
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಧಾರವಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821333 9004472888 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು